आज हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कितना करना आसान है बेटा, बहुत सरल है बेटा, आपको कोई बताया नहीं होगा बेटा। हम आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगे कि जो भी ट्रांसलेशन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक है? ट्रिक उक नहीं है, सीधे टेंस तो आना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या है, सरल तरीका, वो हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, आप देखें कि हमारा एक ऐप आ रहा है बेटा, सच्चाई बताएं, उस ऐप पर हम ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? ग्रामर पोर्शन, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जितने भी सब तुम्हारे बोर्ड हैं सबके लिए बेटा, ग्रामर पूछने का तरीका अलग अलग होता है बेटा, बाकी ग्रामर तो एक ही चीज़ है ना, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे। आप उस चैनल पर आ जाइए और पूरा का पूरा नंबर पाना। देखिए बेटा, आपका 60% नंबर आने की संभावना है, 70% आने की संभावना है, 80% आने की संभावना है, ठीक है? लेकिन हम जब हमारी स्टाइल जब लगाओगे तो विश्वास दिलाते हैं कि 96, 97, 98 तक आपका नंबर जा सकता है बेटा, ठीक है? लेकिन तरीका तो अपनाओ, उसको तो फॉलोअप करो। आइए बेटा शुरू करते हैं। तो ये जो है हमारा, जो हम नया ग्रामर बेस शुरू करने जा रहे हैं, उसको आप अवश्य ज्वाइन करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको बेटा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आइए अब हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के ट्रांसलेशन आए बेटा, ये देखो 2023 DH, 2023 DI, 2023 DJ, तो ये जो है आपकी जो बोर्ड, इससे कठिन आपके इम्तहान नहीं आएगा। अब लड़का देख करके हड़बड़ा जाता है बेटा, हड़बड़ाना नहीं है, पाठक स्टाइल ऐसी है कि आपकी सारी हड़बड़ी, सारा कन्फ्यूजन क्षण भर में दूर करते हैं बेटा, ठीक है? तो कैसे लिखोगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर अच्छे मिलेंगे, यह सिखा रहे हैं बेटा। पहली बात तो आपका क्वेश्चन है, जैसे आया आंसर नंबर जो भी है, आंसर नंबर तो काटना पड़ेगा, देखिए बेटा, पहले आप डालेंगे काली स्केच से आंसर नंबर 6, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश हेडिंग पड़ेगी बेटा, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश या इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों डाल सकते हो बेटा। अब इसके बाद आप यहाँ हेडिंग डालोगे, ये तो लाइन खींचोगे ना, यहाँ पे लाइन खींचोगे, यहाँ डालोगे हैंड्स, ठीक है? हैंड्स में आदि और अंत लिखना पड़ेगा बेटा, से यहाँ लिखा है हमने, अब इस पेन से लिखना है डैश 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 ऐसे, ठीक है? प्रार्थना की, सीधे की लिखो बस, ये आदि और अंत हो गया। अब इसका हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ट्रांसलेशन क्या होगा। पहली बात तो एक लाइन खींच देना यहाँ से, जिससे थोड़ा अच्छा लगे बेटा, ठीक है? ये लाइन एक खींचनी पड़ेगी आपको, तभी अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है? अब यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से इसी के नीचे से। पहला वाक्य है बेटा, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। कौन मनाया? हमने। ये देखो कर्ता मिल गया। अब कर्ता लिखने के बाद सीधे आप जाना फुल स्टॉप पे, देखो ये, और इससे घन 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 लिखते हुए चले जाना, वाक बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा बेटा। तो हमने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? वी, वी। अब मनाया, पास्ट इन्फिनिटिव टेंस है, लगेगा सेलिब्रेटेड, क्या? वी सेलिब्रेटेड ना बेटा, 75th birthday, ठीक है?
कहा कि अंग्रेजी आफ अपनी दादी आवर ग्रैंड मदर आवर ग्रैंड मदर ठीक है आन 27 दिसंबर ये देखो डाले आपका वाक बन गया वी सेलिब्रेटेड 75 बर्थडे 75 लगा दें बर्थडे ऑफ आवर ग्रैंड मदर्स ना बेटा ग्रैंड मदर ऑन 27 दिसंबर बन गया जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठा हुए कौन इकट्ठा हुए हमारे सब भाई बहन ये करता हुआ इसके पहले उल्टा लिखना है बेटा क्या लिखना है उल्टा ऐसे उल्टा यहाँ तक ठीक है तो क्या लगा हुआ बिकॉज ऑफ विंटर वेकेशन अरे के कारण के लिए क्या होती है बेटा बिकॉज ऑफ होती है क्या होती है बिकॉज ऑफ अब देखो आज छोड़ना नहीं इसे लिखना बिकॉज ऑफ विंटर वेकेशन बिकॉज ऑफ विंटर वेकेशन ठीक है हमारे सब भाई अब करता लिखो सीधे पहुंच जाओ फुल स्टॉप ये देखो बन गया ऑल आवर ब्रदर एंड सिस्टर ऑल आवर ब्रदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ठीक है गैदर्ड गैदर्ड माने इकट्ठा हुए गैदर्ड बन गया सुबह हमने पूजा आयोजित की हम किसने आयोजित की हमने उसके पहले क्या लगा इन द मॉर्निंग सुबह के नहीं क्या लगा उड़ा इन द मॉर्निंग हमने वी कर्ता लिखा वी इन द मॉर्निंग कामा वी ऑर्गेनाइज्ड ए प्रेयर वी आयोजित करना क्या लगा ऑर्गेनाइजेशन कहते ना वी ऑर्गेनाइज्ड ए प्रेयर हमने एक प्रार्थना का आयोजन किया और दादी की लंबी उम्र के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया एंड थैंक्ड किसको गॉड एंड थैंक्ड गॉड फॉर ना प्रोवाइडिंग लॉन्ग लाइफ ऑफ लॉन्ग लाइफ टू द ग्रैंड मदर एंड थैंक्ड गॉड फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग लाइफ टू ग्रैंड मदर बन गया बेटा यहां तक हो गया कुछ नहीं किया देखो बेटा हमने वो आ जाओगे अब फिर फुल स्टॉप लगा करके कर्ता लिखे था लिख दिया इसे ठीक है हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की तो लगा बेटा वी ना बेटा आल्सो प्रेड टू गॉड प्रेड क्या के मैं सेट हुआ था बेटा वी आल्सो प्रेड टू गॉड अरे कर्ता लिखा हमने ये जाओ फुल स्टॉप पे देखो बन गया देखो ये इशारा देखो हमने लिखा फिर वी आल्सो प्रेड टू गॉड फॉर हर हेल्दी एंड हैप्पी फ्यूचर खुशहाल का ना हेल्दी एंड फॉर हर हेल्दी एंड हैप्पी फ्यूचर बस बन गया इस प्रकार से आप जब लिखोगे तो कहीं से आपका नंबर कटने की संभावना नहीं है राइटिंग हमारी नहीं बनती बेटा अगर आपको राइटिंग में यहाँ भ्रम हो रहा है तो इसका हम पीडीएफ दे रहे हैं ठीक है साथ में उसको देखो टाइप रहेगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी
सब कुछ। अभी तेरे को राइटिंग हमारी बनती नहीं, साफ साफ बता दें, क्योंकि भाई हम जब पढ़ रहे थे तुम्हारी तरह विद्यार्थी थे तब भी हमारी राइटिंग नहीं बनती थी, लेकिन अब तो सिस्टम आ गया ना बेटा, हम आपको बता देंगे कि कैसे आप लिखोगे, और इसका जब पीडीएफ मिलेगा तो एक एक अक्षर आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर रहे हो ना? हाँ, 2-3 दिन में हमारा बैच नया शुरू होने जा रहा है, उसको आप अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू बेटा।